गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइज, आज है संडे और हमारी मॉर्निंग हो चुकी है, तो हमने चाय वगैरह पी लिया है और इधर हस्बैंड लगा रहे हैं अपने फोटो पे। क्या लगा रहे हो? वैसलीन लगा रहे हैं। और इधर को ना मैं आज मतलब लंच की तैयारी कर रही हूँ। हमने नाश्ता मतलब आज कर लिया है, उसके बाद मैं सीधे लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं लंच में बना रही हूँ अंडा कढ़ी और रोटी। तो अभी फिलहाल के लिए मैं रोटी बनाऊंगी, उसके बाद से मैं फिर चावल ही बनाऊंगी। क्या हो रहा है बिट्टू? क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो? प्लेन उड़ा रहे हो? प्लेन उड़ा रहे हो, ठीक है उड़ाओ। तो गाइज बना ले पर अंडा में थोड़ा सा, मेरा अंडा ही थोड़ा सा ज्यादा ही फ्राई हो गया है, आप देख सकते हैं ज्यादा ही फ्राई हो गया है। फटाफट से अंडे को निकाल लेते हैं। क्या बाबू, चिड़िया गंदा है? अच्छा, तो ना अभी मैंने मसाले वगैरह कुछ भी ग्राइंड नहीं किए हैं, तो फटाफट से पहले मसाले को ग्राइंड कर लेते हैं, उसके बाद से पहले अंडे कढ़ाई बना लेते हैं, उसके बाद से फिर रोटी वगैरह बनाएंगे। इधर को ना मैंने जूस बनाने के लिए ना सब कुछ है, मतलब क्या बेटा? हाँ दे, गाजर वगैरह चुकंदर वगैरह कट कर लिया है। क्या बेटा, और किचन की ना हालत कुछ इस तरह हो रही है, तो इसे पूरी सफाई भी करने में टाइम भी लगने वाला है। तो गाइज अभी मैं आ गई हूँ अपने किचन में और मैं अभी बना रही हूँ अंडा कढ़ी। तो अंडे कढ़ी बनाने के लिए मैंने ना मसाले तैयार कर लिए हैं, जिसमें से मैंने लहसुन प्याज टमाटर और कुछ मसाले ना मैंने ग्राइंड कर लिए हैं, उसके बाद से मैंने सरसों का तेल डाला है। तो बस फटाफट से मैं अंडे कढ़ी बना लेती हूँ, उसके बाद से ना आप देख सकते हैं ना कि मेरी किचन की हालत कैसी लग रही है। मतलब अगर किचन बिगड़ा रहता ना तो बहुत ही अजीब सा लगता। तो फटाफट से ना अंडे कढ़ी बनाने के बाद मैं अपनी किचन को भी समेट लेती हूँ। गाइज आज ना संडे था, तो हस्बैंड ने बोला कि अंडे कढ़ी बनाओ। तो क्या होता है ना कि छुट्टी वाले दिन ना बहुत ही अच्छा अच्छा खाने का मन करता है, अदरवाइज मतलब और दिन तो फिर मतलब फिर जल्दी जल्दी में ना कुछ भी बना लो, कुछ भी मतलब कि मतलब कुछ स्पेशल सा नहीं बन पाता है। तो अभी ना मैंने ना चावल बनाई है ना रोटी बनाई है, तो बस वो सब भी बनाने वाली हूँ। तो अभी तो मैंने मटर उसमें डाल दिया ताकि ना फटाफट से गल जाए, और स्वाद अनुसार मैंने नमक डाल दिया। तो आज ना कपड़े भी बहुत सारे धोने हैं, तो मुझे तो लग रहा है ना कि आज कपड़े धोते धोते शाम हो जाएंगी, क्योंकि इतने दिन से ना मैंने कपड़े नहीं धोए थे। एक्चुअली क्या होता है ना कि मेरा मशीन ना थोड़ा सा मतलब ख़राब हो गया था, इसके वजह से ना कपड़े बहुत ही ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, और हाथ से धोने का तो बिल्कुल मन नहीं करता है, हाथ से धुल भी नहीं पाएंगे। ब्लैंकेट वगैरह होते हैं और कुछ वुलेंस कपड़े ना, तो हाथ से तो बिल्कुल भी नहीं छूटेंगे, तो वो मशीन में ही छूटेंगे। तो इधर ना मैं अपने किचन की भी साथ साथ क्लीनिंग कर रही हूँ, ताकि ना मुझे अच्छा लगे, बेटर फील हो, और आप देख सकते हैं। तो गाइज आप सबको मेरी ब्लॉग्स कैसी लगती है? अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें, और अगर अच्छी नहीं लगती है वो भी बताया करें, और जो भी कमी हो आप सब जब ज़रूर मतलब कमेंट किया करें, ताकि मैं अपनी ब्लॉग्स को और भी अच्छे से बेहतरीन बनाने की कोशिश कर सकूँ। तो गाइज अभी मैं जाने वाली हूँ अपनी मम्मी के घर, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी भी है और थोड़ा सा मुझे दुख भी है, क्योंकि हस्बैंड अकेले हो जाएंगे, तो फिर उनके लिए डिनर लंच जो भी कोई नहीं, वो तो मैं मैनेज करवा ही दूंगी कैसे ना कैसे करके, क्योंकि जाना भी जरूरी है, क्योंकि एक साल हो गए मुझे जाए। तो इधर ना मैं आ गई हूँ अपने मतलब कपड़े धोने की तैयारी में लगी हूँ, तो सब्जी बन रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं अब मैं फटाफट से कपड़े लगा देती हूँ। और इधर हस्बैंड और बेबी बेडरूम में अपना मस्ती कर रहे थे, तो चलते हैं फटाफट से कपड़े लगा लेते हैं, उसके बाद से फिर आगे का जो भी काम है वो कर लेते हैं। तो लो जी मेरे कपड़े धुल गए हैं, कुछ कपड़े मेरे धुल गए हैं, तो मैं फटाफट से इसे छत पे डाल देती हूँ। गाइस फाइनली हम नहा चुके हैं और मेरा बेबी भी नहा लिया है ना बिट्टू, पीस है और हस्बैंड का भी टाइम नहीं हुआ, अभी 2 बज रहा, लेकिन अभी ये क्या क्या कर रहे हो? अभी नहा रहे हैं, बाल कटा के आए, बाल कटा के आए, लेकिन अभी ये नहाएंगे नहीं, पता नहीं कब नहाएंगे, देखते हैं। और इधर देखिए मेरी घर की हालत ना कुछ इस तरह से हो रखी है, तो अभी 2 बजने को जा रहा, लेकिन मैंने कोई भी क्लीनिंग नहीं की है। गोदी ले लो, फिस गिर गया, ले लो ले लो ले लो ले लो। तो नहा,
मम्मा नहीं उठा पाएगी, पापा के पास जाओ, पापा के पास जाओ, नहीं पापा पापा के पास जाओ। देखिए आपके बाल स्मार्ट लग रहे हैं, स्मार्ट लग रहे हो। पता है मुझे ना मतलब लंबे बाल, मतलब लंबे हेयर अच्छे लगते हैं, लेकिन उन्होंने ना छोटा छोटा बाल कटिंग करवा लिया, लेकिन कोई नहीं फिर भी क्यूट से लग रहे हैं। क्या चोटी? ओ बाबू की मेरी चोटी, ओहो बड़ी अच्छी लग रही है, बड़ी अच्छी लग रही है भाई, अच्छी लग रही है, है ना, अच्छी लग रही है। तो गाइस चल लेते हैं फिर, जो भी झाड़ू पोछा करना है घर का दोबारा क्लीनिंग कर लेते हैं। ऐसा तो मैंने सुबह में मॉर्निंग में क्लीनिंग कर ली थी, झाड़ू पोछा जो भी होता है, लेकिन मुझे संडे वाले दिन ना मुझे दो बार करना पड़ता है, क्योंकि कपड़े सुबह से ना इतने सारे कपड़े धोने को हो रहे हैं, इतने सारे कपड़े, अब जाके ना 2 बजे फाइनल हुए सारे कपड़े। तो फटाफट से घर की थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेते हैं, उसके बाद से फिर आपसे मिलते हैं।